आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ ई कॉमर्स क्वेश्चन 3 के आंसर्स। क्वेश्चन के आंसर्स बताने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन के जो भी आंसर्स मैं परफॉर्म आउट करने वाली हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इतफाक नहीं करते तो आप केवल ऑप्शन में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को कम्प्लीट कर सकते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑप्शनैलिटी इज द डैश नंबर ऑफ रिकॉर्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन द चाइल्ड टेबल पर पेरेंट रिकॉर्ड, मैक्सिमम, मल्टीपल, मिनिमम एंड सिंगल। तो आई गेस इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास सिंगल, बट आप अपने अकॉर्डिंगली भी इसको सिलेक्ट आउट कर सकते हो। एग्जाम इज अ डैश ऑफ सॉफ्टवेयर बंडल इंस्टॉलर सर्वर ऑनलाइन स्टोर। करेक्ट आंसर है सर्वर। आफ्टर दैट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 3, क्रिएटिंग अ लोकल सेटअप ऑफ योर कंप्यूटर फॉर मैग्नेटो स्टोरेज रिकमेंडेड फॉर स्टोर सक्सेस, लर्निंग, प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग, अर्निंग मनी, बाइंग डोमेन। तो करेक्ट आंसर रहेगा लर्निंग, प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग। बाय द वे, अगर आप मैग्नेटो का स्टोर बनाना चाहते हो और आप के पास लोकल सेटअप नहीं है, तो इस वीडियो के आखिर में मैं एग्जाम का एक लिंक प्रोवाइड आउट कर दूंगी। आप मेक श्योर कीजिएगा कि उसे फॉलो कर अपने लिए एक अदर सर्वर अपने पीसी पे कर टोल कर कनेक्टेड कर लीजिए। आफ्टर एग्जाम इंस्टॉलेशन वंस वी क्लिक एग्जाम स्टार्ट डॉट एक्सई, स्क्रीन इज शोइंग एग्जाम कंट्रोल पैनल, एग्जाम कमांड ब्लैक स्क्रीन, एग्जाम लॉग आउट स्क्रीन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्ट। तो सही आंसर रहेगा एग्जाम कंट्रोल पैनल। जब आप एग्जाम की इंस्टॉलेशन करते हो तो इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपके पास एग्जाम का कंट्रोल पैनल आता है। इन वन टू मैनी पीके ऑफ पेरेंट टेबल एक्ट एज डैश इन द चाइल्ड टेबल, ऑल्टरनेटिव की, यूनिक की, फॉरेन की, प्राइमरी की। तो आई गेस इसका करेक्ट आंसर प्राइमरी की होना चाहिए, बट अगेन आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट कर सकते हो। कार्डिनलिटी एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एंटायरिटी अक्रेंस एसोसिएट विद वन अक्रेंस ऑफ द रिलेटेड एंट्री, मैक्सिमम, मल्टीपल, मिनिमल, सिंगल। तो आई गेस इसका करेक्ट आंसर मिनिमम होना चाहिए, बट अगेन आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चूज कर लो। डैश एक्सप्रेस द मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटी अगर एसोसिएट विद वन अकरेंट ऑफ द रिलेटेड एंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्डिनैलिटी, क्योंकि ये पिछला वाला क्वेश्चन था, तो अगर वहाँ पर मैक्सिमम आपके पास ऑप्शन था तो आप मैक्सिमम का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। मैंने गलती से मिनिमम का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज सेल्फ होस्टेड एंड SAS application, Magneto, Presta, Shopify, OpenCart। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा Shopify, बिकॉज वही एक सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है। हम Magneto एंड Presta जो है वो एग्जाम पे बनाना प्रेफर करते हैं। डैश रिलेशनशिप इज अ टाइप ऑफ अ कार्डिनलिटी दैट रिफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंट्रीज ए एंड बी इन विच ए मे कंटेन द पेरेंट रिकॉर्ड फॉर विच देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन बी एंड वाइस वर्सा। ये क्वेश्चन आया था आपके पास क्विज नंबर 1 के अंदर। तो अब आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। वहां पर मैंने कंप्लीट जो है वो डिफाइंड आउट किया था कि ये क्या क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड इसका आंसर क्या होगा। एज अ रूल द डैश की ऑफ द पेरेंट टेबल एक्ट एज अ फॉरेन की इन द चाइल्ड टेबल, यूनिक, प्राइमरी, पेरेंट, नल। तो करेक्ट आंसर प्राइमरी रहता है। ये था हमारा आज का काफी आसान सा ई कॉमर्स का क्वेश्चन नंबर 3। मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। पहली बार मेरे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन के बटन कॉल पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। ई कॉमर्स के अलावा अगर कोई और कोर्स है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कोई जिसके सोल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे तो मेक श्योर कीजिए कि उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।